फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। न्यू उस्मानपुर थाने की टीम ने झगड़े के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर पूर्वी जिला के डीसीपी संजय कुमार सेन ने शुक्रवार की रात मीडिया को बताया कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग दूसरे को पीटते नजर आ रहे हैं। मामला थाना न्यू उस्मानपुर गली नंबर 2 दूसरा पुस्ता न्यू उस्मानपुर का है। इस संबंध में 2 से 3 PCR कॉल प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दंगा जैसी स्थिति देखी, जहां कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष को बेरहमी से पीटा। इसको स्थिति को काबू में रखने के लिए पुलिस टीम और पहुंची और घायलों को जग परवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके बाद GTB हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। इस संबंध में IPC की धारा 147, 148, 307, 308 34 के तहत मामला दर्ज किया है। वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर कुछ लोगों की पहचान हुई। इनमें से जगत पुत्र नत्ती सिंह उम्र 62 वर्ष, दूसरा हरेंद्र पुत्र जगत उम्र 41 वर्ष, तीसरा सुमित पुत्र महिपाल उम्र 27 वर्ष, चौथा अमित पुत्र महिपाल उम्र 24 वर्ष। इन चारों को अभी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा DCP ने घायल व्यक्तियों के नाम बताया कि पहला श्यामवीर पुत्र संतराम उम्र 30 वर्ष, दूसरा नरेश पुत्र रामकिशन उम्र 29 वर्ष है। फिलहाल इनकी इलाज GTV हॉस्पिटल में चल रहा है। अब तक की जांच में पता चला कि दोनों पक्षों के बीच संपत्ति का पुराना विवाद है और पहले भी क्रॉस केस दर्ज किए जा चुके हैं। वे भी शांति बनाए रखने के लिए बाध्य थे, जहां शुक्रवार की दोपहर जगत व अन्य ने पूरी तैयारी के साथ दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया और क्षेत्र में शांति भंग करने का प्रयास किया। आगे ये भी सामने आया है कि क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए आरोपी व्यक्ति एडवोकेट और BJP के बोर्ड प्रदर्शित करते थे। इस मामले में भाजपा के पदाधिकारी और बार काउंसिल के समक्ष उठाया जाएगा मुद्दा। बहरहाल अब इन चारों आरोपियों से की जा रही है पूछताछ। भाई क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरे भाई को मार रहे थे वहाँ पे, तो मैं गया तो मेरे को भी मारा और बहुत मारा मेरे को, और तरह तरह के हथियार थे उनपे और मारे जा रहे थे, और मेरा सर में काफी चोट, और मेरा भाई सीरियस है जब से बहुत ज्यादा। तो कब हुआ तुम्हारे साथ ये? ये आज शाम को हुआ था। किन लोगों ने मारा? वो हमारे पीछे रहते हैं, मतलब पहलवान करके नाम है, और मुझे किसी ने बताया मेरे भाई को मारे, मैं गया तो मुझे